मुजफ्फरपुर में मंगलवार को बाइक सवार दो बदमाशों ने शिक्षक से 84,000 रुपए लूट लिए। वह अपनी बेटी को रुपए देने के लिए बैंक से निकासी कर घर लौट रहे थे, इसी दौरान बदमाशों ने उनके रुपए लूट लिए। मामला सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज हाईवे के पास हुई। वे अपने साइकिल से साकेतपुर स्थित आवास जा रहे थे, इसी बीच बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर उन्होंने सदर थाना में FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन सौंपा है। इसमें उन्होंने बताया कि उनका नाम श्यामा प्रसाद सिंह है। वे मूल रूप से साहिबगंज थाना के नवादा के रहने वाले हैं, वर्तमान में बीबीगंज साकेतपुरी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि सुलक्षणा कुमारी से 84,000 का चेक लिया था। उक्त चेक से वह भगवानपुर स्थित SBI शाखा से रुपए की निकासी किए, इसके बाद वे साइकिल से वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच बीबीगंज स्थित हाईवे पर पल्सर बाइक से दो बदमाश पहुंचे, साइकिल में धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद प्लास्टिक के थैले में रखा 84,000 रुपए व 3 पासबुक लेकर फरार हो गया। उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि दोनों बैंक से ही पीछे लगे हुए होंगे। मामले में सदर थानेदार सतेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है, बैंक व आसपास में लगी CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। और बैंक से चेक भजा करके निकले हैं, साकेतपुरी के रहने वाले हैं, साकेतपुरी जा रहे थे, साइकिल से जा रहे थे। दो मेरे पास प्लास्टिक का बैग था, एक बैग में पैसा रख लिए, उसमें पासबुक भी था, 3 बैंक अकाउंट का पासबुक था, उसमें चेक बुक था, सबका अपडेट करना था, हमारे रिलेटिव का वो चेक बुक सब था, वही हमको चेक दी थी। पैसा लेकर हम लौट रहे थे घर जसराज मोटर के आगे, और जो मुन्ना शुक्ला का वो पंप है उसके पहले एक सेवा सदन का गेट है, उसी से हम उसी जगह पीछे से एक पल्सर मोटरसाइकिल आया जिस पर दो लोग सवार थे, धक्का मार करके हमें गिरा दिया और पैसे का बैग लेकर चला गया। कितना पैसा था? 84,000। अच्छा, किस काम के लिए निकाले थे? देना था, बेटी को देना था। बेटी को देना, उसको कुछ काम आया था। हथियार उत्यार भी था क्या हम लोग के पास? यहाँ थी यार उसे, यार तो नहीं था। दो आदमी थे, आगे वाले हेलमेट पहने हुए थे, व्हाइट शर्ट पहने हुए थे, पल्सर गाड़ी थी। भागा किधर? सीधे पंप से आगे तलमलाते हुए भागा। हम तो बांह पकड़ लिए थे एक आदमी का, पीछे वाले का, लेकिन झटका दे करके, एक तो हम पानी में गिर गए थे, हमको गिरा दिया था, ठीक पानी के नज़दीक ओवरटेक किया, ओवरटेक करके ब्रेक मारा हाँ, और साइकिल का हैंडल धक्का दे करके हमको गिरा। पीछा कहाँ से कर रहा था कुछ पता चला? एकदम बैंक से ही पीछा कर रहा था। उसको ये स्टेट बैंक बगल में है भगवानपुर, इसी बैंक से पीछा यहीं से कर रहा था। हाँ, पीछा बिल्कुल इसी जगह से कर रहा था। अच्छा। उसमें का हमको लगा शक है, अब नहीं उसके जैसा एक आदमी पल्सर वो महावीर हॉस्पिटल के नज़दीक पीछे वाला उतर गया, फिर हम आगे बढ़ गए तो हमको लगा कि उतर गया तो वैसा ही आदमी फिर बैठ गया कि कैसे क्या हुआ, लेकिन वही पल्सर आगे लगा। कहाँ पर किया है? कहाँ पर किया है? साकेतपुरी के इधर नहीं है, पेट्रोल पंप बीबीगंज। क्या नाम है आपका? श्यामा प्रसाद सिंह। श्यामा प्रसाद सिंह। श्यामा प्रसाद सिंह। घर कहाँ हुआ? घर तो गांव का हुआ, नवादा साहेबगंज थाना में पड़ेगा। साहेबगंज थाना में नवादा। प्रॉपर यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ साकेतपुरी में रहते हैं। साकेतपुरी कहाँ? साकेतपुरी पंप के बगल से है ना। कौन पंप? मुन्ना शुक्ला का पंप बीबीगंज में, तो पंप है बीबीगंज साकेतपुर। हाँ, अच्छा, रोड नंबर 3 मुजफ्फरपुर साहेबगंज। हाँ, मुजफ्फरपुर साहेबगंज। वृद्ध व्यक्ति हैं जो SBI से पैसा निकाल के जा रहे थे साइकिल से, तो झोला टंगा हुआ था, उसी को कोई झपट लिया है ऐसा सूचना है, और आवेदन भी वो दे रहे हैं। इसमें जो है आगे कार्रवाई की जाएगी, जांच किया जा रहा है। CCTV वगैरह देख रहे हैं? हाँ, CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, जो कुछ मिलेगा उसके बाद जो आगे कार्रवाई की जाएगी, जाँच चल रही है। ठीक।